ईंधन की कीमतों में लगातार तेजी के बाद देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें पहली बार 100 के पार चली गई। इसी बीच पिछले दिनों तमिलनाडु के तूतीकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि का जिक्र किए बिना कहा, साल 2019-20 में भारत ने अपनी घरेलू ईंधन की मांग को पूरा करने के लिए 85% तेल और 53% गैस का आयात किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, क्या हमें ईंधन की पूर्ति के लिए आयात पर इतना निर्भर होना चाहिए? मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यदि अगर हमने इस विषय पर पहले ध्यान दिया होता तो हमारे मध्यम वर्ग को आज इसका बोझ नहीं उठाना पड़ता। स्वच्छ और हरित ऊर्जा के स्रोत की दिशा में काम करना और ऊर्जा की निर्भरता को कम करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। आइए इस कड़ी में जानते हैं कि स्वच्छ और हरित ऊर्जा के मोर्चे पर भारत की स्थिति क्या है। इसके साथ साथ हम यह भी समझेंगे कि भारत सरकार के द्वारा इस दिशा में कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। ऊर्जा के संदर्भ में पिछली सदी हाइड्रोकार्बन यानी पेट्रोलियम उत्पादों की रही, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी और इसके साथ ही दुनिया की प्रगति भी हुई। लेकिन इस प्रगति का बहुत बड़ा खामियाजा पर्यावरणीय नुकसान के रूप में चुकाना पड़ा। इसके इतर पेट्रोलियम क्रांति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विषमता का एक नया संसार भी खड़ा किया। इसने पेट्रोलियम संसाधन से संपन्न देशों को धनवान बनाया तो दूसरी ओर इससे विपन्न देशों को उस देश पर निर्भर बना दिया। परंतु हाल के वर्षों में देखा जाए तो यह परिदृश्य बदलता दिख रहा है। भारत सरकार वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के विकास को निरंतर बढ़ाने में जुटी हुई है। अक्षय ऊर्जा के इन स्रोतों में सौर ऊर्जा एक आकर्षक विकल्प के रूप में उभरा है। आइए एक एक करके जानते हैं कि भारत सरकार ने वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में क्या क्या प्रयास किए हैं। इसमें सबसे पहला प्रयास यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल पर फ्रांस के सहयोग से साल 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की नींव रखी गई। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से दुनिया भर के करीब 121 देशों ने जीवाश्म ईंधन के अलावा ऊर्जा के अन्य विकल्पों को अपनाने के लिए एकजुट हुए। इस सौर गठबंधन की पहल के अनुसार वर्ष 2030 तक विश्व में सौर ऊर्जा के माध्यम से 1 ट्रिलियन वॉट यानी कि 1000 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा के मोर्चे पर एक ठोस प्रयास किया जा रहा है। इस दिशा में भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्रयास मध्य प्रदेश के रीवा में सौर ऊर्जा अल्ट्रा मेगा पार्क को स्थापित करना। करीब 700 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता वाला यह एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। इसके साथ एक उपलब्धि यह भी जुड़ी है कि इसे 2 वर्ष से कम अवधि में तैयार किया गया, जो देश के ऊर्जा के मोर्चे पर बढ़ती क्षमताओं का जीवंत प्रतीक बन गया। इसी प्रकार से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, गुजरात के कच्छ, तमिलनाडु के कामुती और राजस्थान के मंथानिया जैसे तमाम सौर परियोजनाओं के माध्यम से सौर ऊर्जा उत्पादन की मुहिम को मजबूती बढ़ाने में मदद मिली है। इन सब योजनाओं के कारण आज भारत की कुल ऊर्जा उत्पादन में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़कर 36% हो गई। केवल बीते वर्षों में ही यही 2.5 गुना बढ़ी है और इसमें सौर ऊर्जा का योगदान 13% है। बीते 6 वर्षों में इस क्षेत्र में आए 4.5 लाख करोड़ से अधिक का निवेश दर्शाता है कि कारोबारियों को भी भारत के भविष्य की झलक सौर ऊर्जा में दिख रही है। प्रदूषण से निपटना और पर्यावरण संरक्षण इस समय वैश्विक विमर्श का एक प्रमुख विषय है। अक्षय ऊर्जा के माध्यम से वैश्विक पर्यावरण संकट के समाधान में भी निर्णायक भूमिका निभा रहा है। इस समय भारत का अक्षय ऊर्जा उत्पादन विश्व के शीर्ष 3 देशों में शामिल है। अकेले रीवा अल्ट्रा सोलर परियोजना से लगभग 15.7 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रोका गया। दिलचस्प बात यह है कि धरती पर 2.5 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने के बराबर है। सरकार के अनुमान के मुताबिक वर्ष 2030 तक भारत में अक्षय ऊर्जा की भागीदारी 40% और 2035 तक 60% हो सकती है। यदि यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाता है तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार को बढ़ाने में मदद साबित करेगा। इस पहल से विकास, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के मोर्चे पर अनुकूल परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। इसके साथ सबसे अहम सवाल यह है कि क्या सच में हरित ऊर्जा आने वाले समय में परंपरागत ऊर्जा का विकल्प हो सकती है। इसके जवाब में ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि हमें वैकल्पिक ऊर्जा पर जरूर ध्यान देना चाहिए, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वैकल्पिक ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा का 100% विकल्प नहीं हो सकती। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हमें वैकल्पिक ऊर्जा में निवेश के साथ साथ परंपरागत ऊर्जा के आधुनिकीकरण पर भी ध्यान दें।